बिहार की अब बात करेंगे, जहां पर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार दिखाई दे रही है। लोक आस्था का पर्व जितिया होने के बावजूद वोटिंग में महिलाओं का खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मोतिहारी, आजीपुर, जहानाबाद, जहां पर कतारों में ज्यादातर महिलाएं दिखाई दे रही हैं। अपने वोटिंग कार्ड के साथ वो इन मतदान केंद्रों पर पहुंची हैं। जबरदस्त उत्साह इस वक्त मतदान को लेकर बिहार के इन इलाकों में देखा जा रहा है। अड़तालीस प्रखंडों में वोट डाले जाने हैं। आज बिहार में वहां का पर्व जितिया भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। मतदाताओं की लंबी कतार सुबह 7 बजे से लगी हुई है। रुकेंगे यहां छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। दिल्ली में IIT के छात्रों ने कल रंगारंग ड्रोन शो पेश किया। 100 से ज्यादा ड्रोन आसमान में रंगारंग खूबसूरत आकृति बनाते हुए दिखाई दिए। IIT दिल्ली के छात्रों ने एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो ड्रोन के साथ अटैच किया जाएगा और उस सॉफ्टवेयर की मदद से ड्रोन को कहीं भी उड़ाया जा सकता है। इस तकनीक में किसी को ड्रोन ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होगी, बस जगह और लोकेशन फीड करने के बाद ये अपने आप काम कर सकता है। ये तकनीक अब सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी, लेकिन अब भारत में भी इसकी झलक दिखाई दी। रुकेंगे यहां छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।